निर्दोष नागरिकों की जान माल की जो हानि हुई है। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि मिर्जापुर सीरीज फेमस होने के पीछे कई सारे रीजंस हैं और मिर्जापुर सीरीज जानी जाती है उसके कैरेक्टर्स के लिए। छोटा हो या मोटा हो, कांड करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। ऐसे कई नए कैरेक्टर्स भी हैं जो मिर्जापुर 3 में हमें देखने को मिलेंगे और कई ऐसे ना हो कि असली भौकाल वही मचाए। पर ऐसे कौन से कैरेक्टर्स हमने सीजन 1 और सीजन 2 में देखे जिन्हें देखकर ऐसा लगा कि भाई असली भौकाल तो इनका ही है। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। तो आपको बाबर तो याद ही होगा, ये वही बाबर खान है जो कालीन भैया की राइट हैंड मकबूल के भांजे थे। अब मुन्ना भैया ने इन्हें तो टपका दिया क्योंकि क्या है ना, ये गुड्डू भैया के साथ रहते थे और इन्होंने अपनी लॉयल्टी मुन्ना भैया नहीं बल्कि गुड्डू भैया के प्रति दिखाई और इस दुनिया से चल बसे। पर बाबर का कैरेक्टर ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर इसीलिए हुआ क्योंकि ऑडियंस को बाबर की लॉयल्टी काफी पसंद आई और ऐसा एक फ्रेंड हमारी लाइफ में होना चाहिए, ऐसे ऑडियंस को लगा। अब दूसरे थे हमारे वे चाचा। सीजन 1 में जब मुन्ना भैया वेडिंग हॉल में आते हैं जहां वे बबलू और स्वीटी को मार देते हैं, वहां एक बूढ़े चाचा भी होते हैं और मुन्ना भैया ने वेडिंग हॉल में जो खून खराबा किया उससे वे आई विटनेस थे और फिर मुन्ना उन्हें भी टपका देते हैं। तो सीजन 1 में दिखाई दिए ये चाचा रातों रात इंटरनेट सेंसेशन बन गए अपने स्मॉल टाइम प्रेजेंस से। और तीसरा कैरेक्टर है कंपाउंडर का। तो सुबोध नाम का कंपाउंडर तो आपको याद ही होगा। तो जिस तरह बाबर गुड्डू का फ्रेंड था एकदम जिगरी यार, उसी तरह से ये कंपाउंडर मुन्ना त्रिपाठी का बेस्ट फ्रेंड था, बिल्कुल बेस्ट बडी था। मुन्ना ने इसे कहा था कि कालीन भैया को मारने के लिए, पर वो फेल हो गया और आखिरकार मुन्ना को बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। तो हर एक फ्रेंड कमीना नहीं होता दोस्तों, कुछ फ्रेंड्स अच्छे भी होते हैं। अब देखा जाए तो ये कैरेक्टर्स हमें थोड़ी देर के लिए ही सीजन 1 या सीजन 2 में नजर आए होंगे, पर जितनी भी देर थे उतनी देर में इन्होंने ऐसा तड़का लगाया बाय गॉड की ऑडियंस इन्हें भुला ही नहीं पाई। और एक एक्टर को और क्या ही चाहिए। वेल डोंट यू वरी, सीजन 3 में भी हमें ऐसे कुछ इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को जरूर मिलेंगे जो अपना लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ेंगे। वैसे मिर्जापुर जैसे अपने कैरेक्टर्स के लिए जानी जाती है, वैसे ही अपने डायलॉग्स के लिए भी जानी जाती है। मुन्ना भैया हमेशा कहते हैं ना कि भाई मैं अमर हूँ, पर हम तो यही कहेंगे कि मिर्जापुर के डायलॉग्स अमर हैं और हमेशा अमर रहेंगे। किसी भी रील या मीम में मिर्जापुर होना ही चाहिए, जैसे जलवा है हमारा, ये मुन्ना त्रिपाठी का फेमस डायलॉग है या फिर मुन्ना का हिंदी फिल्मों के हीरो है, हमें कोई नहीं मार सकता, हम अमर है, ये डायलॉग, या फिर भौजी पगला गए हैं, उनके दिमाग उनके घुटनों में है और उनके घुटने तो काम करते ही नहीं। उसके बाद बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य या फिर लोग आपकी योग्यता ना पहचाने, या फिर जो आया है वो जाएगा ही, बस मर्जी हमारी होगी। डायलॉग कोई भी उठा लो भाई साहब, एक से एक आइकॉनिक डायलॉग्स हैं जो आप कभी भूल नहीं पाएंगे। वही कई सारे डायलॉग्स हैं जिसमें सिर्फ गालियां ही गालियां हैं, तो वे हम यहाँ पर तो नहीं बोल सकते, बट यू नो व्हाट आई मीन। पर मिर्जापुर 3 में भी हम भौकाल मचाने वाले डायलॉग्स एक्सपेक्ट करते हैं एंड डेफिनेटली उसमें भी गालियां भर भर के होंगी जिस पर ऑडियंस की सीटियां और तालियां बजेंगी, पर वह भी सीजन 1 और सीजन 2 की तरह ऑडियंस के दिल पर अपनी छाप छोड़ देंगे। और इस बार स्पेशली हमें फीमेल कैरेक्टर्स के मुंह से जबरदस्त डायलॉग सुनने को मिल सकते हैं जिसमें मीना भाभी, डिम्पी, माधुरी, शकुंतला शुक्ला जैसे कमाल कैरेक्टर्स हैं। और अब ट्रेलर में तो हमने कुछ डायलॉग सुने भी, जैसे वायलेंस हमारा USP है या फिर मजा आ रहा है जैसे डायलॉग्स, पर इन सबके पीछे है कौन? तो इन सब के पीछे सीरीज के डायलॉग राइटर करण अंशुमन है। ये वही है जिन्होंने इंडियन इज नाम की एक वेब सीरीज बनाई जो कि फर्स्ट ओरिजिनल इंडियन वेब सीरीज थी जो अमेज़न प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हुई थी, जो फिक्शनल इंडियन प्रीमियर लीग के ऊपर बनाई गई थी। वैसे तो उनकी फिल्मोग्राफी में ज्यादा कुछ प्रोजेक्ट्स है नहीं, पर मिर्जापुर के स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स के लिए वे काफी फेमस हो चुके हैं। सीजन 1 सीजन 2 की तरह सीजन 3 में भी इन्हें ही डायलॉग सुनने को मिलेंगे। तो बस अब तैयार रहिए, मिर्जापुर 3 आ रही है 5 जुलाई को अमेज़न प्राइम वीडियो पर। आप कितना एक्साइटेड है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वॉचिंग बॉलीग्राड स्टूडियोज। बिकम एन एक्टर इन बॉलीवुड। व्हाट्सएप हाई टू 8828850888।